हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि यूपीएससी में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का क्वेश्चंस पेपर 2019 का, जो कि सिक्स सेमेस्टर का है बीएससी का। तो इसमें 3 घंटे होते हैं और 85 अंक होते हैं इसमें रेगुलर को मिलने वाले होते हैं, और पासिंग मार्क्स जो होते हैं 28 होते हैं, बाकी प्राइवेट का 33 होता है। तो इसमें सभी प्रकार से हम बात करते हैं। तो बीएससी का एक क्वेश्चन पेपर रसायन शास्त्र में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री से पूछा जाता है, जो कि हमें हर प्रकार से 28 नंबर लाने होते हैं, और 15 नंबर तो हम सीसी के मिल जाते हैं कॉलेज में। तो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस प्रकार से इसमें ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जो कि हमने पहले इसको सॉल्व कर रखा है। इसमें पेप्टाइड बंध पूछा गया है। पहला है पेप्टाइड बंध है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से हमने पहले लगा है तो COONH इसमें आएगा, तीसरा वाला सही है। दूसरा, न्यूक्लिक अम्ल में कौन सी शर्करा होती है, इसमें डी आएगा, डी ऑक्सीराइबोज। तीसरा, तेल और वसा होते हैं तो एस्टर। चौथा है, विल्किंसन उत्प्रेरक है तो RHCl COOH3। तो पहला वाला ये सही होगा। पांचवा, NiCO4 का प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN है तो इसका आएगा 36। छठा है, कार्बिलिथियम यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ देता है तो कीटोन। केवल चक्रण सूत्र है तो यह आएगा, इसका आंसर आएगा बी। आठवा, डी विन्यास के लिए ऊर्जापद है, इसका आएगा तीसरा सी। नौवा आएगा, PPM निम्न भाग में उपस्थित होता है तो आएगा, इसका भी सी ही आएगा। दसवां, अणु जो सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रा देता है, इसका आएगा डी HCl। प्रश्न नंबर 11, बल स्थिरांक की CGS पद्धति में इकाई है, तो इकाई का डायन सेमी -1। रबन प्रभाव का कारण है तो यह हमें मिला नहीं है, आप लोगों को अगर मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तीसरा, कुल संकेत जो इथेनल CH3CH2OH से मिलते हैं तो 3। ब्राउनली समीकरण लागू होता है तो निम्न दाबों पर, और 15 का SO2+O2 NO2SO3 में उत्प्रेरक NO है तो समांगी। अब आएगा खंड व लघु उत्तरीय, देखते हैं लघु उत्तरीय में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं केमिस्ट्री में। इसमें टिप्पणी पूछा गया है, पहला प्रश्न जिसमें उपनिष्ठ आयन और न्यूक्लिक अम्ल पर टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो पूछा गया है ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण, DNA और RNA में अंतर, तो इनको समझाना है हमें। दूसरा, कार्बधातुक यौगिक की परिभाषा दीजिए अथवा किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए, प्रभावी परमाणु संख्या NaCO4 और जिस लवण, इस पर टिप्पणी लिखनी है। तीसरा, Mn2+ के मूल पद संकेत को ज्ञात कीजिए, फिर LS युग्मन समझाइए, अथवा हम पूछा गया केवल चक्रण सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, जल की कठोरता क्या होती है इस पे बताना है। चौथा, किसी एक पर टिप्पणी लिखना है, द्रव रोटेटर, बल नियंत्रण, रमन आवृत्तियम विस्थापन, इसके ठीक अथवा हमें बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन कथन की व्याख्या करना है। प्रश्न पाँचवा, रासायनिक विस्थापन और स्पिन युग्मन अथवा पूछा गया इसका अधिशोषण किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाना भी है। अब आते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, पेप्टाइड बंध क्या है, प्रोटीन का वर्गीकरण एवं कार्यों की विवेचना कीजिए, अथवा DNA की द्विकुंडलित संरचना का वर्णन कीजिए। दूसरा, एक नाभिकीय धातु कार्बोनिल के बनाने की विधियाँ, गुण एवं संरचना लिखिए, अथवा कार्बोलिथियम यौगिक बनाने की विधियाँ, संरचना एवं उपयोग लिखिए। तीसरा है, चुंबकीय व्यवहार से क्या समझते हो, चुंबकीय व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं स्पष्ट करना है, अथवा Ti H2O6+ एवं VH2O6+ संकुलायन के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करना है। और चौथा है, IR स्पेक्ट्रम के द्वारा किसी बंध का बल नियतांक कैसे ज्ञात किया जाता है, अथवा रमन प्रभाव के अनुप्रयोग का वर्णन करना है। पाँचवा, NMR स्पेक्ट्रम का सिद्धांत क्या है, इससे किस प्रकार की सूचना प्राप्त की जा सकती है, अथवा लैंगमुइर अधिशोषण समतापी की व्याख्या कीजिए। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो है वो एक प्रश्न 10 नंबर का पूछा जाता है ना, एक प्रश्न
हमें 10 नंबर का पूछा जाता है वो लघु उत्तरी है, 1 नंबर 5 नंबर का पूछा जाता है, एक प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाता है और यहाँ पे एक प्रश्न 10 नंबर का पूछा जाता है। वैसे अगर हम प्राइवेट वाले की बात करें तो यह एक प्रश्न 12 नंबर का पूछा जाता है और यह प्राइवेट वाला 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हमें 28 नंबर तकरीबन लाने पड़ते हैं। 28 नंबर लाने के बाद में 15 नंबर तो हमें सीसीए के मिल जाते हैं, 28 पे हमें पास कर देते हैं। अगर देखा जाए तो 23 नंबर भी अगर हम ले आते हैं तो ग्रेस मिल के हमें पास कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आता है। और अगर हम बात करें तो हमारे पास सभी प्रकार के क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हैं, हम सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे और डेली पेपर आप लोगों के लिए उपलब्ध होगा, डेली आपको हर क्वेश्चन पेपर की जानकारी मिल जाया करेगी। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर प्रकार के क्वेश्चन पेपर की जानकारी आपको हम उपलब्ध करा सकें।